विधाता का कार्य है। भाग्य लिखना किसका कार्य है? जम जम के बोलो जरा, विधाता। शिव महापुराण की कथा कहती है भाग्य लिखना विधाता का काम में है, भाग्य लिखना देवता का काम है, और भाग्य को बदलना देवाधिदेव महादेव का काम है। भाग्य को बदलना देवाधिदेव महादेव का काम। वो भाग्य कैसे बदलता है? ये दुनिया के लोग, एक पत्र है देखिए, गुरुजी मैं डैम सेमलदा, मैं गुरुजी डैम सेमलदा की रहने वाली हूँ। मेरा नाम कृष्णा भाई पटेल है, मेरे पति का नाम संजय पटेल है। मैं जिला बड़वानी, तहसील ठीकरी। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुजी मैं डैम सेमलदा की रहने वाली हूँ। मेरा नाम कृष्णा भाई पटेल, मेरे पति का नाम संजय पटेल है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। संजय पटेल है, जिला बड़वानी, तहसील ठीकरी। लेटर पत्र आप एलईडी पर और रास्ता चैनल पर पढ़ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। एक लोटे जल का पशुनाथ पति के व्रत का क्या वर्णन करूं गुरुजी? मेरी कोई संतान नहीं थी। 5 साल 10 साल 15 साल इंतजार करा, 16 साल आ गए और 16 साल तक मेरे घर में औलाद नहीं। परेशान हो गए, डॉक्टर को दिखाया, गोदी भरवाई, सब कुछ करा, सारे अस्पतालों का इलाज करवाया, तो भी मुझे घर में औलाद नहीं। 2021 में मेरी मम्मी सीहोर गए और वहां कथा सुनी, और 2021 में उन्होंने मेरे से आकर कहा कि सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय कर, तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, और बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव, बाबा ने मेरे घर में ऐसी कृपा करी कि मेरे घर में 12 महीने भी नहीं निकले और बाबा की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए, बाबा को नमन करने के लिए। कहीं बैठी हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबू आया है क्या साथ में? आया है, आया हो तो ले आओ, और नहीं आया हो तो आप आकर बेलपत्र ले जाओ उसके लिए, ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुम। एक बार हाथ हिला दो, ऐसे हाथ हिलाओ एक बार, शंभू, ठीक है, दिख गए, बधाई आपको। 16 वर्ष के बाद बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से संतान की प्राप्ति। 16 साल। मित्रों, पूज्य गुरुजी का यह उपाय अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो को लाइक करो।